हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एरोप्लेन जा रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। मैं बैठी हूँ बाहर तो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग ऐसी जगह होता है जहाँ शोरगुल ना आए, फिर भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो इग्नोर करना। और इधर मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह मैंने कल मसालदानी धोई थी अपनी, तो उसमें अभी मसाले भर रही हूँ सारे, और अभी मॉर्निंग में लग गई थी। बेटा स्कूल गया, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तो मैं बना रही हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में कढ़ी आज। और आज है विश्वकर्मा, तो हैप्पी विश्वकर्मा सभी को। और अंत चौदसी है और पता नहीं पूर्णमास भी है, दो तीन है एक साथ में, तो बस देखिए मैंने सारे मसाले बड़े बड़े डिब्बों में रखती हूँ, जैसे आधे आधे किलो के पैकेट होते हैं तो बड़े बड़े डिब्बों में रखती हूँ, उन्हीं को सभी को भर रही थी मसालदानी में। और फेस पर जब तक लाइट नहीं पड़ती कैमरा की, तब तक अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो देखिए इधर मैं कढ़ी बना रही हूँ, कढ़ी बना रही, कई दिन हो गए थे, मतलब वो काफ़ी टाइम हो गया था कढ़ी नहीं बनाई, तो मन कर रहा था। और इधर गर्म हो गई है कढ़ी, तो मैंने इसमें कच्ची हींग डाल दी है। मैं कच्ची हींग तड़के में नहीं डालती हूँ, पहले ही हींग डाल देती हूँ। कच्ची हींग डाल दो तो उसकी खुशबू अलग रहती है। और नमक मिर्च डाल दिए, हल्दी पहले ही डाल दी थी, तो इसको उबालूंगी अच्छे से। और उबाल आ गया है एक, देखिए मैंने अभी गैस पर रख दी है। गैस पर रखने के बाद उबलती रही है, खूब सिम गैस करके उस पर रखी है, खूब उबल गई है, इसमें मलाई अच्छे से पड़ गई है। तो पकौड़ियाँ बना लेती हूँ और कढ़ी या चावल बनाऊँगी दोपहर में। और तो मैंने अच्छे से फेंटा है बेसन को, और बेसन को फेंटने के बाद देखिए इसमें जीरा और मेथी और अजवाइन का तड़का लगा देती हूँ, तो उसी तेल में मैंने डाल दिया है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी लाल मिर्च सूखे हुए और प्याज, अपने लिए अलग तड़का लगाऊँगी, बेटे के लिए अलग तड़का लगाऊँगी। तो अभी उसका जो मैं वीडियो उसके ऊपर बना रही थी, मतलब बोल रही थी उसका कंटेंट के लिए, तो वही चल रहा है अभी। एक गर्लफ्रेंड गांव में बता रही थी, और एक मतलब उसकी बीवी तो है, उसके पति की एक बीवी तो है, एक है दो हैं ये पता नहीं है, पर तेरे भी उसको कोई मतलब कुछ भी बोल देता है कि उसकी बीवी है, तो उस पर टाइटल रख देती है कि नहीं पहली बीवी तो मैं ही हूँ उसकी, और उसकी कोई बीवी नहीं है। तो देखिए उसकी बीवी है, अब उसका तलाक हो गया हो या कुछ भी हो, उसकी बीवी है एक, और वो घर पर है, गांव में है, कहाँ है ये पता नहीं। तो देखिए मैंने कड़ी पत्ता वगैरह डाल के और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के तड़का लग गया है, और मुँह में पानी आ जाएगा, ऐसी कड़ी बनी है एकदम टेस्टी, सच में देख के मॉर्निंग में सुबह सुबह लग रहा है बहुत अच्छी कढ़ी बनी है देखिए। और क्योंकि वो एक बच्चे की माँ, 10 साल का बच्चा है जिसका, और तीन तीन पति उसने छोड़ दिए, तीसरा ये पति है उससे शादी की है, तो कोई कुंवारा लड़का तो शादी करेगा नहीं, एक बीवी तो है उसकी, सभी को दिखता है कि जो बीवी है उसकी वो मायके में रहती है, मायके में होगी या उसकी शादी हो गई होगी तो पता नहीं, शादी हुई है या नहीं हुई ये पता नहीं है। और पहले जो पति से उसने शादी की थी तो उसकी भी बीवी थी, उसने छोड़ दिया था उसको, और उसको छोड़ा था उसका नशा के कारण से, और उसकी एक लड़की थी, तो इसको दिख रहा था, उसको भी कोई बोल देता तो बहुत बुरा लगता था, और इसको भी कोई बोल रहा है तो इसको बहुत बुरा लग रहा है। तो अपनी तरफ नहीं देखती है कि मैंने कितने कितने पति मतलब चेंज कर लिए, और जब जाके कहीं मेरे को कोई कुंवारा लड़का मिल जाएगा क्या? कोई नहीं मिलेगा। और इसने भी देखिए फौजी था, और पता नहीं कि उसने बोल रहे हैं कि इसने अपने हुस्न के जलवे से फंसाया है, मतलब लड़के को फंसाया है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैसे मतलब किया है। और हाँ इसको मिल गया सोशल मीडिया से, क्या किया इसने क्या नहीं किया ये पता नहीं है, पर इसको मिल गया। और नहीं तो
देखिए, जब गांव में हमारा कुछ भी खराब हो जाता है, चाहे हम फौजी हों चाहे कुछ भी हों, थोड़ा सा भी कोई दाग लग जाएगा तो शादी होना बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि गांव में आसपास सब जगह पता चल जाता है कि ये लोग ठीक होते तो एक कोई छोड़ देते, या वो ठीक होती तो वो एक कोई छोड़ दे, मतलब एक की ना होके रोती इतने की क्यों होती। तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ कमी होती है जब ही जाके छोड़ा जाता है, और एक लंग से नहीं दोनों लंग से होती है, दोनों तरफ से कमी होती है तभी छोड़ा जाता है। तो देखिए, इधर मैं अपनी किचन में भी साफ़ करने लग गई हूँ, क्योंकि सिर धुलाई कर लिया था मैंने मंडे को, और मसालदानी वगैरह धो दी थी उस दिन, किचन नहीं धोई थी क्योंकि मंडे को मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए आज इसको साफ़ कर देती हूँ। तो पता है उस पर चिकनी हो रही, तो मैंने कॉलिन मारी, क्योंकि कपड़ा 2-3 बार धोना पड़ता है, तो कॉलिन मारी या कॉलिन मार के साफ़ कर देती हूँ। और उसकी पक्का है एक बीवी और घर में है, बच्चे हैं नहीं हैं ये पता नहीं है। और देखिए, धीरे धीरे सब कुछ निकल आएगा। देखिए, जब ये पता लग गया कि उसकी एक बीवी है, तो और कोई बोलता है इसकी 5-5 बीवियाँ हैं, और एक जब बीवी है तो ये भी पता लग जाएगा कि बच्चे हैं कि नहीं हैं, सारा सच सामने आ जाता है धीरे धीरे। चाहे तुम जब पता लग जाती है ना सोशल मीडिया पर आसपास का ये यहाँ का है वहाँ का, तो बहुत लोग होते हैं कमेंट करने वाले, सॉरी, और कुछ भी करने वाले, तो वो पता लगा ही देते हैं। बच्चे कैसे सामने आएंगे जब उसका घर वाले को ही, मतलब बोल रही है कि परिवार में सब लोग हैं, सास ससुर हैं और ये हैं वो हैं, ससुर के तो मतलब अब इससे शादी की है तो इतना झगड़ा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा घर में, तो सास ससुर ही जब खिलाफ है शादी के, तो बच्चे कैसे सामने आएंगे, कैसे पता चलेगा। और धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाता है, जो सच्चाई होती है वो छुपती नहीं है। तो वही है, और लोग जब कमेंट करते हैं ना कुछ आसपास के, तो होता है पक्का पता। कुछ मैंने कमेंट देखी है कि बिना देखने वाले ऐसे ही कर देते हैं, और कुछ आसपास जो होते हैं वो पक्का पता होता है तभी कमेंट करते हैं कि इसकी है कि नहीं है, और उसकी है तभी उसको कमेंट आ रहे हैं, तो उसको बुरा लगता है। और खुद के भी पास एक बेटा है, तो देखिए मैं सारा किचन विचन साफ करके और इधर आ गई थी बाथरूम में, आज बाथरूम की बासन वगैरह मैंने साफ कर दी है। और उसका पता है उसके ऊपर मैं क्यों बोलती हूँ और क्यों वीडियो बनाती हूँ, कि वो उसकी भी मतलब उसने फौजी से शादी की है, तो पूरा दिन फौजी फौजी करती रहती है, और उसको कांटेक्ट मिल रहा है तभी वीडियो बना रही है। और वीडियो बनाना वो बोल रही थी मैं छोड़ दूंगी, मेरे घर वालों को पसंद नहीं, वो किसी भी हालत में वीडियो बनाना नहीं छोड़ेगी, और वो ऐसा कंटेंट और थंबनेल रखती है कि जिससे लोग मतलब अट्रैक्ट हों उसकी वीडियो देखें। तो वो मतलब वो पूरी सच्चाई उसको भी पता नहीं है कि उसकी पति जिससे पति से शादी की है उसका क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या मतलब इसके हैं क्या नहीं है, उसको सच्चाई पूरी पता नहीं है। और वीडियो में थंबनेल टाइटल रख देती है, तो उसको भी पता चल ही जाएगा जब उसके बच्चे का पता चल गया है। और इसका उसने सोशल मीडिया पे जब कोई होता है ना, तो वो आदमी आदमी कोई भी हो या फौजी हो या गांव से हो, तो वो पूरी जानकारी ले लेता है। जैसे मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरे घर के बारे में और उसके बारे में सब कुछ पता रहता है, लोगों को सब कुछ जानकारी मिली रहती है, तो वो सारी कुछ जानकारी ले लेते हैं। और मतलब वीडियो से जब हम सोशल मीडिया पे आ गए तो थोड़ी बहुत तो जानकारी और हमारे बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है, चाहे देखिए कितनी भी पूरी सच्चाई हम दिखाएं या ना दिखाएं, फिर भी पता चल ही जाता है। देखिए, मेरा पोंछा उस रूम में लगा के आ गई थी, इस रूम में भी लग चुका है। और
ये कभी भी उसका पता नहीं निकाल पाएगी। अगर ये कभी साथ में नहीं गई या उसके घर पर नहीं रही तो कभी भी उस इसको पता नहीं चल पाएगा। बस ये जो कमेंट करते हैं उनके ही ऊपर वीडियो बनाती रहेगी और बोलती रहेगी, और इसको कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है। और जब तेरे से इतना प्यार करता है तो इतने दिन, मतलब एक दिन के लिए कोई घुमाने ले गया और छोड़ के पड़ा है। और देखिए मुझे ये रहता है, पता रहता है कि कोई कितने दिन की फौज में, कितने दिन की छुट्टी मिलती है, कितने दिन की नहीं मिलती है। और घूमने के चलो दो एक दिन के लिए कोई किसी काम से आया है तो ठीक है। तो इधर मेरी बहन का बेटा बैठा था, वो बातें कर रहा था और मैं अपना काम करे जा रही थी। तो हमारी सुबह सुबह वो नहा धो के पूजा करके बैठा है ब्रेकफास्ट करने के लिए, बातें चल रही थी। और क्योंकि मेरी शादी की बातें चल रही थी कुछ, तो वही है। और देखिए इधर मैं बालकनी वगैरह में भी पोंछा लगा लिया है, पूरा हो चुका है मेरा। तो ये सबको पता है, और कि उसकी बीवी एक गांव में है, घर पे है, और बच्चे हैं नहीं है, ये भी सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। उसके पति की एक बीवी है, ये तो पता ही है। और अभी वो इतना सिंदूर भर के मांग में लगाती है कि मेरा सिंदूर अमर रहे। एक बार सिंदूर लगाती है फिर छोड़ देती है, वो तो साथ में ही चला जाता है पति के, फिर दूसरी बार लगाती है। वो नशे के कारण उसका पति को ही छोड़ देती है, सिंदूर भी लगाना छोड़ देती है। फिर तीसरी बार फिर से सिंदूर, बोलती है कि मेरा सिंदूर सदा ऐसा ही रहे, कभी मतलब वो ना हो। और इतना कभी भी ज़्यादा सिंदूर भरने से या ज़्यादा वो करने से कभी भी ये नहीं होता कि हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। जो हमारी किस्मत में भगवान ने लिखा है वो होगा ही होगा। चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ भी ना कर लो। तो चलिए फिर वीडियो एंड करने का भी टाइम आ चुका है और मेरा काम पूरा हो गया है। बस नहाना बचा है, कपड़े धोने बचे हैं, नहाऊंगी और कपड़े धोऊंगी तो दोबारा से लगा के लाती हूँ। इधर एक बार लग चुका है, अभी दोबारा से लगा रही हूँ। और तो देखिए हो चुका है दोबारा तो। और अभी मैं इधर थक गई थी, मैं बैठी थी, फैन चल रहे थे, थोड़ा सूख जाए तो सोच रही थी हॉल की लाइट वगैरह बंद कर आए, और बैठी थी इधर। तो चलिए काम हो चुका है और वीडियो को कर लेते हैं एंड। और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं, बहुत कम बढ़ते हैं, तो प्लीज़। और वीडियो पर लाइक भी नहीं आते हैं, लाइक कर दिया करो। तो चलिए फिर बाय बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से। टाइम तो काफ़ी हो गया है, 11:45 बज गए हैं नहाने के लिए, वही टाइम हो जाएगा। तो चलिए फिर बाय बाय।